सिंध में अमन अमान के इंतहाई खराब सूरत हाल। कश्मीर के कच्चे में धाड़ेल शिकारपुर वासी मुखी नौजवान के कत्ल कर लाश वारसन दाव माणे छो। कंडियारों में फुर दौरान मजामे से हथियारबंदन से नौजवान कत्ल। बदमनी खिलाफ मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा धरना। कश्मीर में धाड़ेल शिकारपुर वासी मुखी अब्दुल राफे समेजो के कत्ल कर लाश फिटो कर छो। वारसन नई शहर मुखवी की जनाजे नमाज बाद शिकारपुर के जुमानी चौक से लाश रखी धरणो हो। कंडियारों में फुर दौरान मजाहमत से नौजवान ज्ञानचंद के कत्ल कर वो। सिंध में वधंदड़ बदमनी खिलाफ शहरी रोडन से निकरी आया। मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा धरना। टंडोलया लाड़कानो कंदकोर घोटकी कादरपुर लालूरायंग कंबर सजावल दड़ो बियन शहर में बदमनी खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरन जो चवण हो तो बदमनी बावजूद पुलिस को भी तहरुफ नथी वठे शहरी गैर महफूज आहें। आईजी सिंध के तलब किया है। हर जिले के एसएसपी का भी पुछाणो कयो वञे। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो सखर में गालियों। चीफ जस्टिस पारा सखर ए शिकारपुर जो दौरो। चीफ जस्टिस सखर में नई बेंच ए शिकारपुर में लाइब्रेरी जो इफ्तिताह कयो। सिंध असेंबली शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कौमी जमहूरी हीरो करार देने वालों ठहराव अक्सरियत राय से मंजूर कर वरतो। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह ठहराव पेश कंदे चयो त सुप्रीम कोर्ट पाण तस्लीम कयो आहे त शहीद भुट्टो केस में गलती थी। फैसले से असाजा दिल खुश थिया पर अखियूं आलियूं थियूं। जेको जुल्म थियो उनके खत्म करण लाए आयन में तरमीम करणी पवंदी। बेन मेंबर्स पारा भी शहीद भुट्टो के भेटा पेश। ऐवान अक्सरियत राय से ठहराव की मंजूरी दई छी। वफाकी हुकूमत का शहीद भुट्टो के कौमी जमहूरी हीरो करार देने का मुतालबो। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह शर्जील मेमोण बेन पार्टी अगवाणों से गड गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीदन की मजार से हाजिरी भी भरी। मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट की राय से साबित थो शहीद भुट्टो के डनल फाही वारी सजा गैरकानूनी हुई। हाने फैसले के कलदम करार दई शहीद भुट्टो के वारसन कौम से इंसाफ कर वे। पिशावर हाईकोर्ट सुनी इताद की दरख्वास्त मखसूस सीटों से कामयाब करार दिनल। पार्लियामेंटेरियन की हलफ बरदारी रोकने वाले हुकुम में 13 मार्च तक वाद कर छी। मखसूस सीटों बाबत सुनी इताद की दरख्वास्त पिशावर हाईकोर्ट में बुधनी थी। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने सबब पेश न थो। अदालत हुकुम दिनों त कौमी असेंबली जो स्पीकर 13 मार्च तक ही मखसूस सीटों से कामयाब करार दिनल। मेंबर्स के हलफ न खणाए दरख्वास्त बुधनी 13 मार्च तक मुलतवी। परे वजीर पारा 22 अरब 50 करोड़ रुपये की रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। 45 लाख खानदान के रिलीफ दिनों वो। सूबे में 34,000 तई माहवार कमाइंदड़ खानदान के रोक 5,000 रुपया दियण का भी ऐलान। वडे वजीर की सदारत हेठ रमजान रिलीफ पैकेज बाबत इजलास। बिजली विरहाइंदड़ कंपनियों के इफ्तार सहरी वक्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह सूबे के समूरन कमिश्नर के शयू जखीरो कंदड़न खिलाफ अज का ही कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। वजीर आजम इदारन की निजकारी वो अमल तेज करने की हिदायत कर छी। लागापियल खातन के निजकारी लाए समूरी घुर्जू पूरी करने की हिदायत। बिजली विरहाइंदड़ कंपनियों सूबन हवाले करने वाली तजवीज़ से कमेटी कायम। निजकारी बाबत इजलास की सदारत कंदे शहबाज शरीफ चयो त सरकारी इदारन की निजकारी से मैशत की बहाली ए आवाम के रिलीफ दियण वो कम तेज थी सकंदो। निजकारी बाबत तजवीज़ों के जल्द हतमी शकल दिनी वे। सिंध असेंबली के इजलास दौरान शहीद जान मोहम्मद महर का कातिल गिरफ्तार न थे खिलाफ सहाफन जो प्रेस गैलरी में एहतजाज। नारेबाजी पीपी अगवाण शर्जील इनाम मेमण नासिर हुसैन शाह जियाल हसन लंझार सहाफन से गालू कर
कातिल गिरफ्तार कराने की खातिरी कराई। शर्जील इनाम मेमून शहीद जान मोहम्मद जॉइंट एक्शन कमेटी के खातिरी कराईंदे शहीद जान मोहम्मद के कातलन के केफर किरदार तीन पहुंचाइंदा, शहीद के कुटुंब के तहफुज फराहम कयो वेंदो। सिंध हुकूमत जा हुकुम नजरअंदाज, सरकार पर आटे खीर बिन आम वापे वाले शयन की मुकर्र कल अघन से अमल न थो। व्यापारियों ने दुकानदार अटे खीर समेत आम वापे वाले शयन भाजन फ्रूट जा अघ मुकर्र कर छ्या। गरीब ए पुरे तबको सख्त परेशान।